सबसे बड़ा बैरियर तो हमारे यहां माइंडसेट का ही था, मेंटल बैरियर्स थे। इसी माइंडसेट की वजह से हमें कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती थी, इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, इस देश में कुछ बदल ही नहीं सकता, और अपने यहां सब ऐसे ही चलता है। अगर लेट आए तो भी कहते थे इंडियन टाइम, बड़े गर्व से कहते थे। करप्शन था, अरे उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है साहब, जीना सीख लो। कोई चीज सरकार ने बनाई है तो उसकी क्वालिटी खराब होगी ही होगी साहब, ये तो सरकारी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती जो पूरे देश को मेंटल बैरियर तोड़कर बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी ने दांडी यात्रा में उठाया तो एक चुटकी भर नमक था, लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं, लोगों का यह विश्वास बढ़ गया था। अभी चंद्रयान की सफलता से कोई 140 करोड़ देशवासी अचानक वैज्ञानिक नहीं बन गए हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं बन गए हैं, लेकिन पूरे देश एक आत्मविश्वास से भरा हुआ माहौल आज भी हम अनुभव कर रहे हैं। और क्या निकलता है, हम कर सकते हैं, हम हर सेक्टर में आगे जा सकते हैं। आज हर भारतीय बुलंद हौसले से भरा हुआ है। स्वच्छता का विषय याद होगा आपको, कुछ लोग कहते थे कि लाल किले से पीएम का स्वच्छता की बात करना, टॉयलेट की बात करना इस पद की गरिमा के खिलाफ है। सैनिटरी पैड ऐसा शब्द था जिसे लोग खासकर पुरुष सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बोलने से बचते थे। मैंने लाल किले से विषय उठाए और वहीं से माइंडसेट बदलने की शुरुआत हुई। आज स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गया है। आप याद करिए, खादी को कोई पूछता तक नहीं था, हम जैसे नेताओं का यही वो विषय रह गया था, वो भी चुनाव में जरा लंबा कुर्ता पहन के पहुंच जाना, यही हो गया था। लेकिन अब पिछले 10 साल में खादी की बिक्री 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, जनधन बैंक अकाउंट्स की सफलता देशवासी जानते हैं, लेकिन जब हम इस योजना को लेकर आए थे तो कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि ये अकाउंट खोलना संसाधनों की बर्बादी है, गरीबी इनमें एक पैसा भी नहीं डालेगा। बात केवल पैसे की नहीं थी, बात थी मेंटल बैरियर तोड़ने की, माइंडसेट बदलने की। ये लोग गरीब के उस अभिमान को, उस स्वाभिमान को कभी समझ नहीं पाए जो जनधन योजना ने उस गरीब को मैं जगाया। उसे तो बैंकों के दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी, वो डरता था। उसके लिए बैंक अकाउंट होना भी अमीरों की चीज थी। जब उसने देखा कि बैंक खुद उसके दरवाजे तक आ रहे हैं तो उसमें एक विश्वास जगा, एक आत्मविश्वास जगा, उसके मन में एक नया बीज पनपा। आज वो बड़े अभिमान से अपने जेब में से रुपए कार्ड निकालता है, रुपए कार्ड का इस्तेमाल करता है। हम तो जानते हैं, आज से 5-10 साल पहले स्थिति ये थी कि किसी बड़ी होटल में बड़े बड़े लोग खाना खा रहे हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन रहती थी। जो बटवा निकालता था तो चाहता था वो देखे कि उसके बटवे में 15-20 कार्ड है। कार्ड दिखाना भी फैशन थी, कार्ड की संख्या स्टेटस विषय था। मोदी ने उसको गरीब के जेब में डाल करके रख दिया था। मेंटल बैरियर कैसे तोड़े जाते हैं दोस्तों, आज गरीब को लगता है कि जो अमीर के पास है वो मेरे पास भी है। इस बीज ने वट वृक्ष बनकर कितने ही फल दिए। एसी कमरों की नंबर और नैरेटिव वाली दुनिया में रहने वाले लोग
गरीब के इस मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक गरीब परिवार से आया हूं, गरीबी को जीकर यहां आया हूं, इसलिए जानता हूं कि सरकार के इन प्रयासों ने कितने सारे बैरियर्स को तोड़ने का काम किया है। माइंडसेट में ये परिवर्तन देश के भीतर ही नहीं बाहर भी आया है। पहले आतंकी हमला होता था तो हमारी सरकारें दुनिया से अपील करती थी कि हमारी मदद करिए, विश्व मत बनाने के लिए जाना पड़ता था, आतंकियों को रोकिए। हमारी सरकार में आतंकी हमला हुआ तो हमले का जिम्मेदार देश दुनिया भर से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता है। भारत के एक्शन ने दुनिया का माइंडसेट बदला। 10 साल पहले दुनिया सोचती थी कि भारत क्लाइमेट एक्शन के संकल्पों में बाधा है, एक रुकावट है, नेगेटिव है। लेकिन आज भारत दुनिया के क्लाइमेट एक्शन के संकल्पों को लीड कर रहा है, अपने टारगेट को समय से पहले हासिल करके दिखा रहा है। आज माइंडसेट बदलने का प्रभाव हम स्पोर्ट्स की दुनिया में भी देख रहे हैं। लोग खिलाड़ियों को कहते थे, खेल तो रहे हो लेकिन कैरियर में क्या करोगे, नौकरी का क्या करोगे। सरकारों ने भी खिलाड़ियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था, ना उनकी ज्यादा आर्थिक मदद होती थी और ना ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता था। हमारी सरकार ने इस बैरियर को भी हटाया। अब आज एक के बाद एक टूर्नामेंट में हमारे यहां मेडल्स की बारिश हो रही है।